नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस और मैं आपको बता दूं धरौदा में विकास को रफ्तार तेज करते हुए और ये जो ऐसा रास्ता है मैं आपको बता दूं शाही मस्जिद से लेकर ये बुढ़िया काली माता मंदिर तक ये रास्ता जुड़ता है और ये बहुत जर्जर रास्ता था। यहाँ पर आने जाने तो दूर की बात है, लोग आने जाने के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते थे। इस रास्ते को यहाँ पर PCC माननीय विधायक करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह जी के द्वारा बनाया गया था, जो आज इसका उद्घाटन के द्वारा किया जा रहा है और हमारे साथ ये मौजूद है। धरौदा में लगातार विकास की रफ्तार ये तेज कर रहे हैं और जो भी समस्या है धरौदा की जनता को ये दूर करने में लगे हुए हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे कि धरौदा विधानसभा क्षेत्र में और क्या क्या नई नई योजनाएं लागू किया जा रहा है, लगाया जा रहा है इनके द्वारा और क्या क्या विकास हो रहा है, ये इनके इनसे मिलकर बातचीत करते हैं और इनके जो भाजपा के कार्यकर्ता इनसे भी मिलकर बातचीत करते हैं। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि विधायक जी के साथ काम करके और जिस तरीके से इनका काम करने का तरीका है, एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत सुंदर है विधायक जी का। अभी तो हम अपने हसनपुरा प्रखंड के भाजपा के पूर्वी मंडल के अध्यक्ष हैं जी। हम विधायक जी से हमेशा अपने धरौदा विधानसभा सहित हसनपुरा पर विशेष ध्यान रखवाते हैं कि हसनपुरा थोड़ा कम विकास के स्थिति पर है, तो विधायक जी के द्वारा बहुत कुछ पूरा किया जा रहा है। अब विधायक जी हर समय इस विधानसभा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करते हैं, चूँकि इनके साथ रहने का मौका मिलता है, कभी कभी साथ इनके जाते हैं आते हैं तो हमेशा ये बात होती है जो आज आपको देखने को मिला है। इसके बाद भी बहुत मैंने विधानसभा में कार्य निकला है जो जनता के बीच जाएगा या जनता देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धरौदा पूर्वी के अध्यक्ष भी हैं और माननीय विधायक जी जो हैं करणजीत सिंह जी, और लगातार मतलब फोकस कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र पर, विकास की गाड़ी को रफ्तार को तेज कर रहे हैं, आपके हिसाब से देखा जाए तो और क्या क्या जो है धरौदा विधानसभा क्षेत्र में प्रमुख मुद्दा जो निपटारा होना जरूरी है? देखिए, मुद्दा तो कोई है या नहीं है। आज के पहले धरौदा में कोई विकास होता नहीं था, जब से ये आए हैं तब से विकास का लाइन लग गया है। यहाँ की जनता जानती है, इसलिए यहाँ की जनता को पूर्ण विश्वास है कि ब्यास है तो आस है, बाकी सब बकवास है। इसीलिए तो धरौदा की जनता को हृदय में विश्वास है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से विकास हो रहा है पूरे धरौदा विधानसभा क्षेत्र में, जिस जो कार्यशैली है विधायक जी का काबिले तारीफ है, आपको कैसा लग रहा है? हमें तो अभी तक जितने भी हम बहुत दिन से इस राजनीति में देख रहे हैं और हमारे सामने कितने सांसद कितने विधायक आए, लेकिन इनके जैसा विधायक जो सब लोगों के दिलों में बसते हैं, सब लोग अपना सवाल इनसे आसानी पूर्वक अपने घर के जैसा, अपने घर के मेंबर जैसा मिल लेते हैं, अपनी बात रखते हैं। सबसे ऊंचा यह इनका विचार है कि विकास के प्रति ये हम लोग के विधानसभा में ये स्वयं अपने चल कर और जनता के बीच में जाकर और पूछ कर और विकास के लिए कहना नहीं है, ये स्वयं पूछते हैं और उसके लिए अपना सब कुछ निछावर करते हैं। जो केंद्र सरकार की जो योजना है और उनका यह है कि भाजपा का विकास ही मेन मुद्दा है और जिसको लेकर ये चलते हैं, और हमको और हमारे बीच में ये ऐसे ही विधायक और ऐसे ही सांसद बराबर चाहिए। और हम चाहेंगे परमात्मा से यह विनती करेंगे कि ये सदा बने रहें और हम लोग के बीच में रहें। नाम बता दीजिए जी। मनन मिश्रा सर, ये कोई समस्या नहीं। जिस तरीके से ये शाही मस्जिद से लेकर बुढ़िया काली माई तक का जो रोड है माननीय विधायक जी के द्वारा बनवाया गया है, काफी काबिले तारीफ है, तारीफ के काबिल है। आपके नजरिए से देखा जाए तो और धरौदा विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या होना और जरूरी है? देखिए, सबसे पहले हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस को हमारे और विधायक जी के माननीय तरफ से हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। आपने हर मुद्दे को बहुत बारीकी से उठाते हैं। मैं ये जो काम हुआ है शाही मस्जिद से लेकर मंदिर दोनों आस्था को जोड़ने वाला जो रोड बना है, अरे इनके तकदीर के कातिल इनका पहचान लिख देना, अरे इनके तन के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। इनको मंदिर भी प्यारा है, इनको मस्जिद भी प्यारा है, कहीं रहमान लिख देना तो कहीं भगवान लिख देना, अरे इनके तकदीर के कातिल इनका पहचान लिख देना। मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ करता हूँ कि युवाओं का चहेता है, गरीबी शोषित के हर दुख सुख में कदम से कदम मिलाकर चलने वाले अगर कोई आठों विधानसभा में मेरे नजरिए में है तो माननीय श्री बड़े भाई ब्यास सिंह जी हैं, जो सारे लोगों को सारे समुदाय को ऊंच नीच अमीर गरीब
सबको कदम से कदम मिलाकर इनके पास आवाज जानी चाहिए, सबको साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मेरा नाम हुआ ऋषि देवसा, मैं इनसे बहुत प्रभावित होकर मैं इनके साथ इनके विधानसभाओं में एक्टिव रहता हूँ कि ऐसे विधानसभा में हर व्यक्ति आ जाए तो पूरे सिवान का एक चौमुखी विकास होगा, एक बिहार में अच्छा मैसेज आएगा। जिस तरह आज के डेट में देखा जाए दरौंदा विधानसभा के जिस तरह आठों विधानसभा में विकास बहुत आगे रफ्तार से है, मैं आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास के साथ कांग्रेस से उम्मीद हम लोगों की लगी है। आपके चैनल को हसनपुरा न्यूज परिवार को धन्यवाद देते हैं कि आप कम से कम जागरूक हैं, देख रहे हैं कि यहाँ काम हो रहा है और कौन काम अनिवार्य है। आप लोगों से भी बहुत कुछ हमको जानकारी मिलता है। देखिए ये काम तो हम जब से आए लगभग हमको 3 साल हो गया, 3.5 साल। 3.5 साल में हम जब पहली बार आए थे इधर पैदल आने का व्यवस्था नहीं था, पैदल आने जाने में लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, जबकि दो समुदाय के आस्था का यहाँ विशेष व्यवस्था है, मंदिर भी और मस्जिद भी है जी, बिल्कुल। और दोनों समुदाय के लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी, हमेशा ही 12 महीना यहाँ जल जमाव रहता था। इसको देखते हुए मैंने सोचा, यहाँ के लोगों का भी इच्छा था और आज पूरा हो गया, ये काम पूरा हो गया। इससे यहाँ के लोग को काफ़ी राहत मिलेगा, यहाँ हसनपुरा के जो भी लोग हैं नगर पंचायत के लोग सब लोग आते हैं क्या तो नमाज़ अदा करने के लिए मस्जिद में, नहीं तो मंदिर में पूजा करने के लिए। और ये लगभग 1000 मीटर की दूरी है, ये काफ़ी, ये रोड जो है 1000 मीटर का होगा, दोनों का दूरी मस्जिद और मंदिर का 1000 मीटर होगा लगभग। और काफ़ी लोग परेशान थे इससे, इस परेशानी से अब सब लोग निजात पा लिए और आगे इसी पंचायत में जस्ट बगल में एक भी ईटकरण हम ही करवाए थे और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी 2-4 महीना में उसका भी पक्कीकरण भी हो जाएगा। समझ गए ना, इस पंचायत का समस्या, वो जो पुल वाला समस्या है, से पूरा उसरी वाला, ये तो हमको लगता है कि 2 विधानसभा और 3-4 ब्लॉक को जोड़ने वाला वो समस्या है। उस समस्या से भी लगभग 4 ब्लॉक के लोग और 2 विधानसभा के लोग उससे भी राहत पाएंगे, उससे भी निजात पाएंगे, वो भी हमको विश्वास है। हम बात किए हैं विभाग में लिख के दिए हैं, उसके DPR बन गया है और टेंडर प्रक्रिया में है वो। हम उम्मीद करते हैं कि 1 साल के अंदर में बन के कम्प्लीट रहेगा वो भी। बहुत अच्छा आपने मुद्दा उठाया है और सबसे ज़रूरी वो चीज़ है। आपसे मैं जानूंगा कि दरौंदा विधानसभा क्षेत्र में और जो प्रमुख समस्याएं हैं उसको लेकर आप किस तरीके से देखिए। अभी आपके यहाँ आपके जस्ट बगल में जलालपुर अभी टेंडर में चला गया, हो सकता है कि 1-8 महीने में टेंडर क्लियर हो जाए। यहाँ खेल के लिए, बच्चों के खेल के लिए कोई स्टेडियम नहीं था, स्टेडियम भी 1 साल के अंदर में बन के तैयार हो जाएगा, टेंडर भी फाइनल हो जाएगा जल्दी, टेंडर हो गया, हो भी गया उसका, वो तुरंत उसका भी काम शुरू होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मैसेज देंगे आज दरौंदा विधानसभा, दरौंदा विधानसभा की सम्मानित जनता को, जो हमको वो लोग प्यार स्नेह दिए हैं? सबसे पहले तो निर्दलीय कार्यकर्ता के रूप में, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमको अपना प्रतिनिधि बनाए, उसके लिए तो हम आजीवन आभारी रहेंगे, धन्यवाद देंगे दरौंदा के लोगों को। लेकिन दरौंदा के लोगों से हम एक आग्रह अपील जरूर करेंगे कि थोड़ा सा धैर्य रखें, विश्वास रखें, जितना विश्वास मेरे ऊपर किए हैं उससे ज़्यादा हम आगे बढ़ चढ़ के काम करने की इच्छा रखते हैं, लगे रहते हैं। ज़्यादा बनी हुई है और बहुत हाईलाइटेड होते हैं, बिजली की समस्या काफ़ी ज़्यादा लोगों को देखिए कर रही है। बिजली की समस्या जो है ना, तो कुछ लोड ज़्यादा बढ़ गया है, उस पर भी ध्यान है मेरा, लोड ज़्यादा बढ़ गया है। अब हर घर में, गांव में भी हर घर में काफ़ी बिजली की खपत हो रही है, हर घर में AC मोटर इन्वर्टर सब जगह चल रहा है, तो इसलिए बिजली की खपत कुछ बढ़ा है। लेकिन उसका भी व्यवस्था हम बात किए हैं स्क्रीब इंजीनियर श्रीमान, वो भी बोले हैं कि सर हम लोग इस साल देख लिए हैं, अगले साल इसके मॉनिटरिंग करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अगले साल ऐसा प्रॉब्लम ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, तो जात पात का भेद मिटाकर धर्म को एक ताक पर रखकर हिंदू मुस्लिम को एकता का मिसाल पेश करते हुए माननीय श्री विधायक करणजीत सिंह उर्फ ब्यास सिंह शाही मस्जिद से लेकर बुढ़िया काली माता का जो रोड है वो निर्माण कराया है और एक समाज में मिसाल पेश किया है, एक संदेश दिया है कि एकता और जात पात का भेद मिटाओ और एक साथ आगे बढ़ो, देश को बढ़ाओ, बिहार को बढ़ाओ। देखते रहे हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। जय हिंद।